हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना आर्मपिट रूटीन, जिसमें है नेचुरल और मैजिकल रेमेडीज जो हेल्प करता है डार्क अंडर आर्म्स को लाइटन करने में और अंडर आर्म्स को हेल्दी भी बनाता है। तो मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून वाइल्ड टर्मरिक और इसे मिक्स कर रही हूँ कोकोनट ऑयल में। इस तरह से कोकोनट ऑयल अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है और मैं बनाने जा रही हूँ सुपर इफेक्टिव नेचुरल अंडरआर्म स्क्रब। तो इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे हम स्क्रब में, और स्क्रब बनाने के लिए चाहिए 1 कप शुगर। वैसे तो ये स्मूदी का ब्लेंडर है, लेकिन मैं इसमें ग्राइंड कर रही हूँ शुगर, तो ये 10 सेकंड में शुगर को ग्राइंड कर देता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे इतना शुगर कर लिया है ग्राइंड, जो कि 10 टू 12 डेज इजीली चलेगा। यहाँ पे कंटेनर में मैं इतना शुगर डाल रही हूँ जो कि 7 डेज ही चले, अदरवाइज ज़्यादा बना के रखते हैं तो शुगर स्क्रब मेल्ट हो जाता है। अब इसमें सॉल्यूशन मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल टर्मरिक का। अब विंटर्स चल रही हैं तो ये शुगर स्क्रब जम सकता है, तो इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं बॉडी वॉश। तो ये बन गया नेचुरल सुपर इफेक्टिव अंडरआर्म स्क्रब। इवन आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, वो भी रोज़। अब इस स्क्रब को मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडरआर्म्स में और जेंटली एक्सफोलिएट करूँगी 2 to 3 मिनट्स तक। इस तरह से जितना भी डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है वो रिमूव हो जाता है, और ये हमारी अंडरआर्म्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। वैसे तो डार्क अंडर आर्म्स होने के अपने बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि डिओड्रेंट को डायरेक्टली अंडर आर्म्स पे यूज़ करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी, फ्रिक्शन हो जाता है टाइट क्लोथ से, हाइपर पिगमेंटेशन एंड स्मोकिंग, तो इन वजह से भी डार्क अंडर आर्म्स हो जाती हैं। अब अच्छे से स्क्रब करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी लुकवॉर्म वाटर से। पर्सनली मुझे कभी वैक्सिंग सूट नहीं किया, हमेशा मैंने बम्पी स्किन और स्किन में इरिटेशन ही फेस किया। मैं हमेशा रेज़र ही प्रेफर करती हूँ। अब यहाँ पे मैं फीमेल रेज़र यूज़ कर रही हूँ, और वैसे मैंने काफ़ी तरीके के रेज़र भी यूज़ किया है, मेंस वाला भी, लेकिन नहीं करना चाहिए, फीमेल रेज़र ही हमें यूज़ करना चाहिए। और यहाँ मैंने कंडीशनर लगाया है। वैसे तो बॉडी वॉश, कंडीशनर एंड शेविंग क्रीम भी यूज़ किया जा सकता है, इवन एलोवेरा जेल भी। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती कि आपको शेविंग करना चाहिए या फिर वैक्सिंग, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंडरआर्म्स को क्या सूट करता है। अगर आपको वैक्सिंग सूट करता है तो गो फॉर वैक्सिंग, अदरवाइज आप शेविंग भी प्रेफर कर सकते हो। और ये सिर्फ मिथ होता है कि शेविंग करने से डार्क हो जाती है अंडरआर्म्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बस आपको अच्छे से करना आना चाहिए शेविंग। ये है वैसलिन पेट्रोलियम जली, इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ और ये डार्क अंडरआर्म्स को लाइटन करने में भी हेल्प करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप शेविंग करो उसके बाद हमेशा वैसलिन यूज़ करो एंड यू विल सी 100% रिजल्ट्स। बस इसे कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा यूज़ करना। ये है सुपर इफेक्टिव आर्मपिट सॉल्यूशन। इसमें मैंने मिक्स किया है आमंड ऑयल एंड कस्टर्ड ऑयल। आमंड ऑयल और कस्टर्ड ऑयल का कॉम्बिनेशन हमारी डार्क अंडरआर्म्स को लाइटन करता है, और जितने भी डार्क पैचेस होते हैं ना वो हील होते हैं, और साथ में हमारे स्किन को ये नरिश और मॉइस्चराइज भी करता है। वैसे हमारी अंडरआर्म्स को भी वर्कआउट की ज़रूरत होती है, पर हम वो कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम मसाज करके अपनी अंडरआर्म्स का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रख सकते हैं और स्किन को भी बेबी सॉफ्ट बना सकते हैं। एंड यू कैन सी माय अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा लाइट और यू नो सॉफ्ट है, वो इसलिए क्योंकि मैं डेली प्रेफर करती हूँ अंडरआर्म्स पे ऑयल लगाना। तो अगर अब आपने मन बना लिया है इस रूटीन को फॉलो करने का, तो अब आपको कोई भी डिओड्रेंट या अंडरआर्म रोल ऑन यूज़ नहीं करना है, चाहे वो कितने भी अच्छे ब्रांड का है, क्योंकि इनमें होते हैं डार्क अंडरआर्म्स करने के हार्मफुल केमिकल्स। इसलिए नो मोर डिओड्रेंट एंड रोल ऑन्स। यहाँ पे मैं बना रही हूँ घर पे ही नेचुरल डिओड्रेंट। इसे बनाने के लिए ले रही हूँ 1/4 कप रोज वाटर। अब इसमें मिक्स कर रही हूँ 3 टी एसेंशियल ऑयल की 10 टू 12 ड्रॉप्स और विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई के 2 कैप्सूल इसमें मिक्स करने हैं बस।
अब इसमें मिक्स करना है एलोवेरा जेल। ये विल्वा का एलोवेरा जेल है जो मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे मुझे वो प्लांट वाले एलोवेरा जेल सूट नहीं करते हैं क्योंकि उनसे मेरी स्किन में बहुत इरिटेशन और ईचिंग होती है, इसलिए मैं मार्केट के एलोवेरा जेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब इस सॉल्यूशन को बना लिया है, ये है छोटी सी क्यूट सी परफ्यूम बॉटल। अब इसे मैंने अमेजोन से लिया था। इसमें मिक्स करेंगे हम, नहीं मिक्स नहीं करेंगे, डालेंगे। तो इस सॉल्यूशन को डाल देंगे और ये हमारा बन गया घर पर ही नेचुरल डिओड्रेंट। और सुपर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑडर की प्रॉब्लम है ना, जस्ट यूज़ दिस डिओड्रेंट एवरी डे। और वैसे इस रूटीन में हमें सब कुछ डेली यूज़ करना है, इससे हमारी अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा नरिश भी रहेंगी। और ये मैंने इतना सॉल्यूशन बना लिया है कि ये मेरा ईजिली 15 days तो चलेगा फॉर श्योर। तो अब इसे हम अपने रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कॉटन पैड यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी जो अंडर आर्म्स में ऑडर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है विंटर्स में भी, तो आप इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हो जितना भी आपका मन चाहे, 2 बार 3 बार। और इसे तो मैं अब रोज़ यूज़ करने वाली हूँ। अब ये है हमारी लास्ट होममेड रेमेडी। तो ये है अंडरआर्म्स लाइटनिंग नाइट क्रीम। इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल निकालते टाइम ऐसा हुआ कुछ, तो निकालते टाइम स्पून ही टूट गई, अब चाकू काम करेगा। तो नाइफ से निकाल रही हूँ। अब इतना कोकोनट ऑयल चाहिए जितना आधा बाउल। आप ट्री ट्री असेंशियल ऑयल की 10-15 drops मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मिक्स करेंगे 3 vitamin E capsules। वैसे तो विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमारी स्किन में से रिड्यूस करता है ये इन्फ्लामेशन को, स्किन को यूथफुल और यंगर बनाता है। तो ये हमारा क्रीम बन रहा है 1 month का, तो बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक साथ बना के मैं इसको रख लूँगी। विंटर में हम अपनी स्किन और बॉडी की एक्स्ट्रा टेक केयर कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ढकी हुई रहती है, तो सन टैनिंग, सन बर्न, पॉल्यूशन और डस्ट से भी हमारी स्किन दूर रहती है। और इसलिए आपको अपनी डार्क अंडरआर्म्स को लाइटन कर लेना चाहिए विंटर सीजन में ही, क्योंकि हमें समर में स्लीवलेस और फेवरेट ड्रेसेस भी तो वेयर करना है। तो ये रूटीन आप ज़रूर फॉलो करना। अब इसको मैं अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब इसे मैं स्टोर कर लूँगी एक कंटेनर में। तो ये बन गया हमारा नाइट क्रीम। और नेचुरल होममेड रेमेडीज़ भी हमारी स्किन पे बहुत अच्छा काम करती हैं। ये बन गई है हमारी 1 month के लिए अंडर आर्म्स लाइटनिंग क्रीम, जिसे हम रोज़ रात को सोते टाइम लगा सकते हैं। आप इसको डे में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं रात को इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि रात को मैं इसे लगा के सो सकती हूँ। और इसमें टर्मरिक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके कपड़ों पे स्टेन लगेगा क्योंकि इसे हमने वार्म करके इसमें मिक्स किया है। और वाइल्ड टर्मरिक मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसका स्टेन नहीं लगता है कपड़ों पे और ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। और अगर आपने कभी अंडरआर्म की केयर या फिर कोई रूटीन फॉलो नहीं करा, तो ये रूटीन आप ज़रूर फॉलो करना। एंड आई अश्योर यू, इस रूटीन से आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि इसमें सारी नेचुरल होममेड रेमेडीज़ हैं। एंड आई कैन से मेरी अंडरआर्म्स हेल्दी और क्लियर हैं। तो ये सारी रेमेडीज़ मेरी ट्रायल्ड एंड टेस्टेड हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना तो ही रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसे स्किप कर करके फॉलो मत करना, रोज़ करना। और अगर आप करने जा रहे हो उस रूटीन को फॉलो, तो आज मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई मिलती हूँ नेक्स्ट वीक में। बाय गाइस, आई लव यू।